आजकल सब लोग को पीवीपी में प्रो बनना है, लेकिन यार सबके पास पीसी नहीं होता कि वो माउस और कीबोर्ड लगा के एकदम बढ़िया से खेल सके, और किसी के पास उतना हाई एंड फोन भी नहीं होता कि भाई माउस और कीबोर्ड लगा के खेले। तो तुम लोग सामने देख ही सकते हो कि भाई मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेल रहा हूं, और ये वीडियो बनाते बनाते भाई मेरे को इतनी ज्यादा हंसी आई है ना, वो तो आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा, तुम पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। लिटरली ऐसी ऐसी चीजें हुई है मेरे साथ, और वैसे भी मैं फोन में बहुत कम खेलता हूं, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप लोग की पीवीपी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लिटरली भाई मेरे जैसे नूब की इंप्रूव हो गई, तो तुम्हारी कैसे होगी। बाय द वे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाला यूट्यूबर हूं, तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन क्यों नहीं खेलता? देखो इसके पीछे बहुत लंबा लॉजिक है। मैं बहुत पहले खेला करता था, लेकिन उसके बाद से भाई वो मेरे को जमना बंद हो गया था, माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में शिफ्ट हो गया था। और ये जितनी भी ट्रिक बताने वाला हूं ना भाई, ये लिटरली वर्क करेंगी, और तुम लोग को लाइक करना पड़ेगा भाई, लाइक करना पड़ेगा आज, नहीं तो भाई देखो मैं बोल रहा हूं यार, पिछली बार मैंने लाइक बोला था लेकिन कोई करता ही नहीं आजकल लाइक, इसलिए आज तुम लोग को वीडियो पे लाइक करना पड़ेगा। चलो जाओ नीचे जाके 5000 लाइक ठोक दो, और इनमें मैं कुछ कुछ डाउनलोड लिंक भी दे सकता हूं, इसलिए यार वीडियो को अच्छे से देखते रहना, क्योंकि कई कई मस्त मस्त चीज भी होने वाली है इस पे। फर्स्ट चीज देखे तो आप लोग यहाँ पर शॉक होने वाले हो, आप लोग बोलोगे भाई ये तू कर कैसे रहा है, मतलब कि दौड़ भी रहा है, जंप भी कर रहा है, पक्का तूने कीबोर्ड लगाया ना है, तू पीसी में खेल रहा है ना? नहीं, मैंने कीबोर्ड भी लगाया, माउस भी नहीं लगाया, और मैं ये पीसी में भी नहीं खेल रहा, ये मैं अपने हाथ से खेल रहा हूं, लिटरली हाथ से और अपने फोन में। इसको मैं पता कैसे कर रहा हूं, मैंने स्वैप कर दिया बटन उसको, मतलब कि ये जो जंप करने वाला था ना उसको मैंने क्राउच वाली जगह कर दिया, और जहां क्राउच होते थे वहां स्वैप। तो भाई ये मजा आ रहा है भाई लिटरली, मतलब अभी तक नहीं पता था मेरे को, वैसे बहुत लोग को पता होगा लेकिन मेरे को अभी तक नहीं पता था भाई, मेरे को पता चला तो अच्छा लग रहा है। अब चलो कुछ मस्त सेटिंग बताता हूं जिससे आप लोग की पीवीपी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और यहां पर आप लोग को वीडियो में जाना है, और सबसे नीचे जाना है। यहां से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं अपन लोग, और सबसे नीचे ये सेटिंग मिल जाएगी। आप लोग को ये जीयूआई स्केल है ना, इसको मिड में कर देना है, और रेंडर चंक डिस्टेंस 5 में कर देना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लैग होता है पीवीपी करते समय। रेंडर क्लाउड्स को ऑफ कर देना, और ब्यूटीफुल स्काइज को भी बंद कर देना, और यहां पर जो कैमरा शेक है ना इसको भी बंद कर देना। नाउ अभी ब्राइटनेस को फुल कर देना, क्योंकि भाई पीवीपी करते समय ना ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कई जगह भाई बहुत अंधेरा होता है, जैसे कि मेरा फ्यूचर। ये जो यूआई प्रोफाइल है इसको पॉकेट से क्लासिक में करना मत भूलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, आप लोग को अगर पीवीपी करना तो स्प्लिट कंट्रोल को ऑन मत करना, और यहाँ पर बटन साइज को बढ़ा देना। और भाई मैं वो गोले को चोमू समझता था, लेकिन गोले से भाई अच्छा एम लगता है, इसलिए वो गोले को बंद मत करना। और यहाँ पर आप लोग को और कोई चीज को छेड़खानी करना तो कर लेना, गेम की सेटिंग में छेड़खानी की बात कर रहा था वैसे मैं। ये वाली सेटिंग को ऑन कर देना, स्वैप जंप एंड स्नीक, इससे क्या होगा जो जंप वाली जगह है ना वहां पर क्राउच होगा, और जहां क्राउच होता था वहां जंप होगा, इससे ये होगा कि आप लोग ना जंप जल्दी कर पाओगे, और ब्रिजिंग भी। वीडियोस में आने के बाद आप लोग को यहाँ जो एफओवी है ना, ये एफओवी को बढ़ा देना, क्योंकि पीवीपी कर समय एफओवी बहुत काम आती है, तो ये एफओवी को लगभग 76 के आसपास रखना, बाकी सब बढ़िया है। असली मजा तो अब आने वाला है, आप लोग को यहाँ पर क्या करना, सेटिंग्स में जाना है, और आप लोग को ये वाला जो फेदर क्लाइंट है ना, ये जो मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले दिया था, आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना, भाई बहुत बढ़िया है, ये लैग बिल्कुल नहीं होता इससे। फेदर क्लाइंट लग चुका है, देखो अभी मैं तुम लोग को सबसे मस्त चीज बताने वाला हूं, तुम लोग को जाना सिंगल प्लेयर में इंटरनेट ऑन रखना, और सर्वर्स में जाने के बाद गॉड स्पंकी जो नेटवर्क है ना इसको ज्वाइन करना, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, इसकी आईपी वही मिल जाएगी और ज्वाइन सर्वर कर देना। अब इसकी आईपी में डिस्कॉर्ड मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी आईपी आराम से मिल जाएगी। अब यहां पर हम लोग ने ना पीवीपी प्रैक्टिस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और जावा वालों के लिए लगाया है। ओके, तो हम गेम में आ चुके हैं, और देखो ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, प्लस मैंने शेडर भी लगा रखे हैं। अभी आपको शेडर समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं वहां पर जाऊंगा ना तब शेडर समझ आएंगे, और लिटरली ये लैग नहीं कर रहा है भाई। तुम पिंग देखो ना एक बार, पिंग भी कितनी बढ़िया आ रही है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, साइड में जाना है, और यहां पर आप लोग को दिखेगा पीवीपी प्रैक्टिस 4 बंदे खेल रहे हैं, आप लोग उस पर एक बार क्लिक करना है, और आप लोग का ये बिल्डिंग टेरेन आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग डायरेक्ट पे घुस जाएंगे। और भाई लिटरली बता रहा हूं बहुत हाई फाई बनवाया हम लोग ने इसको, मतलब कि सिर्फ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वालों के लिए। तो यार एक बार रिव्यू कर देना इसका भाई, यही सीन रहता है, मैं जब भी गेम में आता हूं ना कोई ना कोई मेरे को पहचान जाता है, लेकिन इसको लग रहा होगा मैं फेक स्पंकी हूं, क्योंकि मैं अपने मोबाइल वाले अकाउंट से आया हूं ना, इसलिए मोबाइल वाला अकाउंट अलग है और पीसी वाला अकाउंट अलग है, दैट्स व्हाई इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अगर आपको कोई भी चीज ओपन करना है ना, तो नीचे मुंडी करना है और उस पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट उसको ओपन कर पाओगे। जैसे ये रैंक अनरैंक मैच हो गए, तो मैं अनरैंक पे क्लिक करता हूं, और आप लोग को यहां पर गेम्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अबे इमोट नहीं करना है भाई साहब, लिटरली बंदे भाई चैट से मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, इनको जाके बताता हूं मैं। आप लोग को इस पर डबल क्लिक करना है, और इस पर भी डबल क्लिक करना है आपको। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो आप लोग को जैसे नीचे आए ना, देखो नीचे आए इन्वेंट्री में, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। और अभी मैं पता नहीं कौन से वाले में आ गया हूं मैं ये, और भाई लिटरली ये देखो भाई, अरे भाई ये बंदा कैंपिंग कर रहा है यहां पर। अभी मैंने गेम प्ले की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, और देखो मैं तुम लोग को बताता हूं, देखो लैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और वैसे हम लोग यहां पर पीवीपी करने
आए थे ना, देखो बंदे को मजे लेता हूँ अभी मैं, कहाँ गए बंदे भाई, ये देखो ये बंदा मार रहा था ना मेरे को ऊपर से, और वो बंदा भाई अभी भी कैंपर बना हुआ है, लिटरली वहाँ पर कोई भी मर के ऊपर पहुँचता है ना तो मार देता डायरेक्ट, ये बंदा तो गया मेरे हाथ से, नॉट ऑफिशियल तो, और भाई सब मार दिया मैंने इसे। और अगर आप लोग को पीपी करना है ना तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग जंप और भागे एक साथ, और जब आप ऐसा करोगे ना तो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि आप कीबोर्ड में खेल रहे हो जबकि भाई मैं फोन से हाथ से खेल रहा हूँ। जस्ट देखो भाई मैं ब्रिजिंग टाइप की कर रहा हूँ, ये ब्रिजिंग होती है क्या होती है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो उसको ब्रिजिंग ही कहता हूँ, और ये मैं अपने फोन में अपने हाथ से कर पा रहा था बिना कीबोर्ड के। ऐसा इसलिए हो क्योंकि मैं जंप करते जा रहा था, प्लेस करते जा रहा था और दौड़ते भी जा रहा था एक साथ। तो भाई तुम लोग ये करना जरूर। ओ गॉश ये छुप रहा है यहाँ पर बंदा, भाई साहब इसके देख रहे हो क्या ये तेज हो रहा है भाई, ये बंदा छुप रहा है कॉबल स्टोन लगा के। और मैंने यहाँ पर फेदर क्लाइंट को क्यों लगाया, मैंने यहाँ पर पीवीपी टेक्सचर पैक को क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। पीवीपी टेक्सचर पैक लैग हो जाएगा लेकिन भाई ये फेदर क्लाइंट कभी लैग नहीं होने वाला। भाई अभी मैं गैपल एफएफए में आऊँ और बंदा पीछे ही पड़ गया। अरे भाई रुक जाए यार मेरे को इंट्रो तो कर। अरे भाई मारे भाई बंदा मार रहा है, इसको मैंने बता भी दिया लेकिन इसको लग रहा है कि मैं फेक स्पंकी हूँ भाई साहब। और मैं एक तो फोन में के ए मार मार ही जा रहा है, मार ही जा रहा है, रुक जाए इसको तो बताना पड़ेगा, अभी रुक जाओ। मैं वैसे ही फोन में बहुत कम खेलता हूँ, दिमाग खराब कर दिया बंदे ने, दिमाग खराब। इधर इधर तू, इधर तू, इधर देखो बता रहा हूँ, रुक जा, तेरे को बहुत शौक है ना पीपी करने का, बहुत शौक है ना, इधर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। कल वीडियो में देखियो कैसे पिट रहा है, वैसे मैं पिट रहा हूँ इससे। ए जल्दी आ, ओ शिट भाई कौन है ये, अरे मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ यार। देखो भाई ऐसा ऐसा होता है, देखो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मतलब माइनक्राफ्ट पहले खेलता था ना जब मैं फ़ोन में, तब मैं नहीं कर पा। ओ नॉकबैक पड़ा उसको बहुत गंदा वाला, यहाँ से भागो पहले, सबसे पहले स्ट्रेंथ पियो सबसे पहले, ओके। अरे यार इन लोगों ने ये माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में ना स्प्लैश वाला रखे हैं लेकिन इस पर पीने वाला रखे हैं, क्यों यार ऐसा, ये क्या फर्जी मजाक है, गंदा मजाक है। अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि गॉड स्पंकी में लैग होता है तो देखो अभी क्लियर हो जाता है कि लैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लैग, ये क्या होता है, ये लैग है, ये लैग है ये, तो ये देखो ये लैग बिल्कुल भी नहीं है। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई पिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो पिंग देखो भाई 53 ms, भाई 53 ms कितनी बढ़िया पिंग है, मतलब कि हाँ तुम लोग बोलोगे भाई 50 के ऊपर जा रही है लेकिन भाई 50 के ऊपर भी अच्छी आ रही है यार, सही में गेम बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है। कहाँ गया वैसे वो बंदा, हेलो भाई कहाँ चले गए, एक तो मैंने एफओ भी इतनी बढ़ा रखी है ना। मैंने ने भाई लिटरली चैट करी, मैंने इसको लिखा यू आर गोइंग टू बैन, अगर मतलब कि मैं रियल स्पंकी हुआ तो तुमको बैन कर दूंगा मैं। तो इन लोग को अभी भी भाई साहब ये बंदे को अभी भी लग रहा है कि मैं नूप, मतलब कि असली स्पंकी हुई नहीं। फ्लैशबैक देखो लिटरली अभी मैं फ़ोन से आया था तब इन लोग मजाक उड़ा रहे थे, और वैसे भी यार कोई बंदा लगे गई ना, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और अब देखो भाई क्या बोल रहे, सॉरी खुशी इतनी कभी नहीं हुई भाई साहब। अरे ठीक है भाई नहीं कर रहा बैन, इनको लग रहा है कि मैं बैन करने वाला हूँ इनको। खैर एनी वेज यार प्लेयर्स ही हैं, आप लोग भी आके खेल सकते हो, और मैं कैमरा ऑन करके बना रहा हूँ भाई। ओके ओके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ यूजुअली, और यार मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं कल इसका टाइटल क्या रखूंगा भाई। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है मेरे को, मैंने क्या किया वीडियो में, मतलब मैंने टिप्स दी या फिर मैंने गॉड स्पंकी में खेला या फिर भाई बंदे मेरे को नूब बोल रहे थे या फिर मैं क्या लिखूंगा भाई। खैर एनी वेज अगर आप लोग ने वीडियो देखा है ना तो भाई आप लोग लेजेंड हो, और यार वीडियो को लाइक कर देना, और इस टाइप की और भी वीडियो तुम लोग को चाहिए क्या माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए, क्योंकि देखो मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पे धीरे धीरे ना आऊंगा क्योंकि यार इसमें खेलने में अलग ही मजा आता है। एंड ऑल्सो जितनी भी चीज मैंने आपको बताई वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट में, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, आराम से डाउनलोड कर पाओगे, चाहे वो फेदर क्लाइंट हो या फिर सामने एक मैंने शेडर यूज किया था उसकी भी मिल जाएगी, और अगर कुछ और चाहिए होगा तो वो भी बोल देना, वो भी डाल दूंगा मैं वेबसाइट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यार मेरी वीडियो को लाइक कर देना लोल।